लखनऊ पुलिस ने महिला सहित तीन टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। तालकटोरा पुलिस व क्राइम ब्रांच ने किया 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आए 7 टप्पेबाज अनोखे अंदाज में बनाते थे भोले भाले लोगों को अपना शिकार। 4 आरोपियों सहित एक महिला को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपियों के पास से आभूषण व नकदी बरामद की। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी लखनऊ के अलावा अन्य जिलों में घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। गिरफ्तार करने वाली टीम को डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। बुजुर्ग पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, उनको ही ये टारगेट करते हैं। रहने वाले बाहर के जो पकड़े गए हैं पुलिस की गिरफ्त में अभी हैं, इनका आपराधिक इतिहास क्या कुछ निकल के आया है? क्या पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर जेल जा चुके हैं? देखिए, जेल जाना तो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये 4 घटनाएं तो आपके सामने है जो मैंने एक्सप्लेन किया। 3 घटनाएं और ये बिहार की बता रहे हैं जो अभी इस बार पहली बार यूपी की तरफ आए हैं, जैसा बता रहे हैं। 3 घटनाएं आपके बिहार में ये बता रहे हैं जिसके बारे में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, उनको सूचना भी दी जा रही है। इसके पूर्व में ये राजा और अनूप नामक दो व्यक्ति थे जिनके संपर्क में आकर इन्होंने ये अपराध करना सीखा और बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली और दिल्ली के आसपास ये घटनाएँ करते रहे, लेकिन इसके विषय में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। लखनऊ के बाहर कैसे रहे? ये सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। एक रामचल मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन ये दिल्ली में निवास करते हैं। शेष सभी गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में निवास। सर, जानकारी ये मिली कि तालकटोरा थाने की यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा जगह है और ज्यादातर टप्पेबाजी घटनाएं तालकटोरा क्षेत्र में ज्यादा हो रही है, तो ये क्या तालकटोरे में घूम रहे हैं सर, क्या वहीं टप्पेबाजी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो रूट पर पड़ता है चलते हुए, चूंकि ज़्यादातर टप्पेबाजी की गैंगें जो भी पकड़ी जा रही हैं वो बाहर की ही हैं, रूट पर है, रूट पे पड़ता है जो भी स्थान करते हुए ये निकल जाते हैं। इनके गिरोह में क्या और भी लोग शामिल हैं? नहीं, ये 5 लोग ही हैं, 5 लोग ही हैं। रामचल जहाँ बिहार बॉर्डर पर ही इन्होंने पहली फिर एक घटना करनी कबूली है, और हाजीपुर और पटना में भी इन्होंने घटना करने की बात कबूली है, जिसके संबंध में हम लोग आगे विवेचना कर रहे हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जा रही है। मूल रूप से ये 5 लोग जो पकड़े गए हैं, एक राम अचल चौहान है जो मूल निवासी आजमगढ़ के हैं लेकिन वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, जो गैंग के सरगना है और गाड़ी भी इन्हीं के नाम पंजीकृत है। एक भरत कुमार है, मनोज मजिया उर्फ शंकर और राम अचल की पत्नी राधा, ये 5 लोग घटना में शरीक रहते थे। 2 से 3 लोग ये घटना करते थे, बाकी लोग गाड़ियों में होते थे, आगे बढ़ते जाते थे और घटना करते जाते थे। सर, ये किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे, लोगों को किस तरह से गुमराह करते थे कि उनके जेवर और जो भी चीज़ें होती थी लेकर कैसे अपराध? ये 2-3 मोडस ऑपरेंडाई इनकी थी। पहले जैसे तालकटोरा में इन्होंने नोटों की गड्डी वाला यूज किया, बात में फंसाते हैं एक आदमी और फिर दूसरा अचानक प्रकट होता है ये दिखाते हुए कि इससे संबंधित नहीं है, फिर उनको झांसे में लेके ये बताते हैं कि इसमें 50,000 रुपये हैं, ये ले लीजिए, लेकिन साथ में उनका कोई ना कोई जेवर एक रुमाल में रखवा लेते हैं और घर में खोलने की हिदायत दे के चले जाते हैं। वो सामने वाला ये समझता है चलो चेन के बहाने 50,000 रुपये ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं, लेके चला जाता है। एक मोडस ऑपरेंडाई ये है। दूसरा जो थोड़ा जैसा उनको क्लाइंट मिलता है, एक जगह इन्होंने पुलिस चेकिंग का बहाना बनाकर उनका जेवर अपने रुमाल में रखवाया, वहाँ नोट नहीं दिया था, तो 2-3 मोडस ऑपरेंडाई ये अडॉप्ट करते। सर, ये महिलाओं को टारगेट करते थे और ये ईंटें और गुम्मे पैक करके देते थे, ये किस तरह? हाँ, देखिए, ये महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को ही टारगेट करते हैं। सारी जो 4 घटनाएं इसमें प्रकाश में आई हैं जो हम आज एक गुटवर हुआ है, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है और क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है पकड़े गए आरोपियों का? कि 14 तारीख को थाना ताल कटोरा पर एक महिला से मूर्त बनाकर 2 लोगों ने उनके जेवरात उतरवा लिए थे, बदले में सादे नोटों की गड्डी उनको दे दी थी। इसके संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, पुलिस कमिश्नर लखनऊ के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और तालकटोरा की टीम ने अथक परिश्रम किया और दिल्ली बेस्ड एक गैंग को आज 10 बजे गिरफ्तार करके उस घटना में जो चेन टप्पेबाजी की गई थी, ठगा गया था, वो चेन बरामद किया।
साथी वो रुपयों की गड्डी जिसके ऊपर और नीचे 500-500 के नोट लगे रहते हैं और बीच में सादे कागज होते हैं, उसको बरामद किया है और 5 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है। साथ में एक टियागो गाड़ी जिससे वो ट्रेवल करके ये घटना कर रहे थे उसको बरामद किया गया है। सर ये किस तरह से पूछताछ से लखनऊ के 2 घटनाओं का और एक आजमगढ़ की घटना का इन्होंने खुलासा किया है। 10 तारीख को पीजीआई थाना क्षेत्र में तेलीबाग में एक बुजुर्ग व्यक्ति को झांसे में लेकर उनसे जेवरात की ठगी की गई है। 11 तारीख को अलीगंज में एक बुजुर्ग महिला को इसी तरीके से झांसे में लेकर उनसे जेवरात की ठगी की गई। 15 तारीख को आजमगढ़ में इनके द्वारा एक दंपत को झांसे में लेकर उससे चेन और अंगूठी ली गई है।